Good morning, students. Today we are going to do book exercise of maths chapter 13, column subtraction. Students, आज हम column subtraction करेंगे maths में. Page number 64 open कीजिए. Okay. So first of all, write here today's date. Today's date is 17, 9 months, 21 year. यहाँ पे class work लिखेंगे. Students, subtract 36 from 64. हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, किससे, 64 को 36 से. ओके, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 6 वंस फ्रॉम 4 वंस. हम क्या नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 6 वंस. यहां पर आप देख सकते ना, 6 वंस की प्लेस पे है और 4 भी वंस की प्लेस पे ऊपर. सो हम 4 से 6 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 4 क्या है, छोटी डिजिट है और 6 बड़ी. सो From 6 tens we borrow 1 tens or 10 ones. इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो tens की place पे 6 है उससे हमें 1 tens borrow करना होगा. ओके, कहाँ पर, यहाँ पर. सो हमारा ये हो जाएगा 10 ones. ओके, यहाँ पर leaving behind 5 tens. अब जब हम इसे borrow दे रहे हैं 1 tens, तो यहां हमारी कौन सी डिजिट आएगी, 5, यानी कि 5 बच जाएगा, 6 1 tens चला गया ना, यहां से बोरो हो गया. सो ये वाला ones जो है यहां पर हो गया ऐड होके 14 ones, 4 हमारा 10 यहां पर tens इसको मिल गया, तो ये हो गया हमारा 14 ones. अब हम इजीली 6 को माइनस कर पाएंगे. ओके, 14 माइनस 6 इक्वल टू 8, और यहाँ पर जो टेंस है 5, इससे हम नीचे 3 टेंस को माइनस करेंगे. 5 माइनस 3 इक्वल टू 2. नाउ 10 वंस एंड 4 वंस. अब यहाँ पर क्या हो गए थे, यहाँ पर 10 वंस मिलके और 4 वंस मिलके क्या हो गए, 14 वंस, बिकम 14 वंस. 14 वंस माइनस 6 वंस, यहाँ पर हमने अभी माइनस करके दिखाया ना आपको, 14 से हमने 6 को माइनस किया, इक्वल टू 8 वंस, आंसर इज 8 वंस. एंड 5 टेंस, यहाँ पर 5 टेंस की प्लेस पे और 3 टेंस की प्लेस पे, माइनस 3 टेंस, माइनस किया 5 से 3 को, इक्वल टू 2 टेंस. टस 64 माइनस 36, ऐसे 64 माइनस 36 इक्वल टू 28 आंसर. अब यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट, आगे के सब्ट्रैक्ट करने हैं आपको, टेंस और वंस. सो हम स्टार्ट करेंगे वंस की प्लेस से, 2 माइनस 4, वंस हमारा 2 है और 4 हमारा क्या है, वंस की प्लेस पे, तो हम 2 से 4 माइनस नहीं कर सकते स्टूडेंट. उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से बोरो लेना होगा टेंस से. सो हम 1 बोरो लेंगे, इसे हम क्या बनाएंगे, 12, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एक लीव बिहाइंड, यहाँ पर 4 टेंस हो जाएगा. ओके, सो 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 एंड 4 माइनस 2 इक्वल टू 2. नेक्स्ट सम्स, 4 माइनस 9, वंस की प्लेस से स्टार्ट करेंगे, सो यहाँ पर 4 माइनस 9 नहीं हो सकता. सो हमें क्या करना है, बोरो लेना है यहाँ से, और इसे जब ये बोरो दे रहा है 1 टेंस, ये हो गया 14, और यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, 5, 5 टेंस में चेंज हो जाएगी. 14 माइनस 9 इक्वल टू 5, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 होगा. ओके, इसी तरह से नेक्स्ट सम देखिए, 3 माइनस 4 नहीं हो सकता, सो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बोरो लेना, 1 टेंस बोरो लेंगे हम इसे, 13, ये हमारा 3 वंस था, हमें इसे 1 बोरो यहां से लेकर इसे 13 वंस बना दिया. अब यहां पर क्या हो गया, हमारा टेंस एक लीव हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा 3 टेंस. ओके, 13 माइनस 4 इक्वल टू 9 और 3 माइनस 2 इक्वल टू 1. सो नेक्स्ट सम्स, 3 माइनस 9 नहीं हो सकता, सो हमें क्या करेंगे, यहां से 7 टेंस से हम बोरो लेंगे 1 टेंस, और इसे क्या बनाएंगे यहां पर, 13 माइनस 9
इक्वल टू 4. सो स्टूडेंट्स आप फिंगर काउंटिंग भी कर सकते हैं. ओके यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट, जब इसने 1 tens इससे दे दिया है सो यहाँ पर 6 tens, 6 minus 2 equal to 4. सो इसी तरह से आप बाकी के सम्स आपने खुद प्रैक्टिस के तौर पे करने, ये 2 lines और बाकी ये सब आपको होमवर्क में करना है. दिस इज योर होमवर्क. आगे देखिए पेट शॉप पजल्स. अब आप प्रॉब्लम सम्स हैं, इसे हम क्लास वर्क में आपको करके दिखाएंगे. ओके मिस्टर विक्टर हैज मैनी पैट्स इन हिज स्टोर. मिस्टर विक्टर के पास स्टोर में कई पैट्स हैं. ही हैज टू फाइंड होम्स फॉर सम ऑफ देम. वह क्या कर रहे हैं, कुछ जो पैट्स हैं उनके लिए घर ढूंढ रहे हैं, होम ढूंढ. रीड द स्टोरीज एंड फाइंड द आंसर. आपने स्टोरीज को रीड करना है और आंसर देने. यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर विक्टर की पैट शॉप है, पैट स्टोर है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 75 पपीज इन हिज स्टोर. यहाँ पर 75 पपीज है उनके स्टोर में. ही फाउंड होम्स फॉर 39 ऑफ देम. 39 को क्या मिल चुका है, होम घर मिल चुका है. हाउ मैनी पपीज आर लेफ्ट इन हिज स्टोर. अब उनके पास स्टोर में कितने पपीज हैं, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. यहाँ पर आप टेंस और वंस ऊपर लिख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे वंस की प्लेस पे 5 minus 9. बट ये क्या हो सकता है, नहीं होगा 15. हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसे बोरो देना पड़ेगा 7 tens से. और यहाँ पर आपका लीव जाएगा 8 tens, ये हो जाएगा 6. 15 minus 9 equal to 6. ओके अब इजी हो गया ना माइनस करना. 6 minus 3 equal to 3. इसी तरह से नेक्स्ट सम्स. ही हैड 91 पैरट्स इन हिज पैट शॉप. उनके स्टोर में कितने क्या है, 91 पैरट्स हैं. ही सोल्ड 36 पैरट्स. वह क्या कर रहे हैं, 36 पैरट उसमें से सोल्ड आउट कर दिए उन्होंने. हाउ मैनी पैरट्स डज ही हैव नाउ. अब कितने पैरट्स बचे, क्या करेंगे, 91 पैरट्स थे उसमें से 36 माइनस हो गए, यानी कि सोल्ड हो चुके हैं, बिक चुके हैं. यहाँ पर 1 minus 6 नहीं हो सकता, हम क्या करेंगे, इसे बोरो देंगे 1 tens और यहाँ पर इसे 8 बनाएंगे. सो यहाँ हो गया 11. 11 minus 6 equal to 5. ओके 8 minus 3 equal to 5. सो स्टूडेंट्स आंसर इज 55. अब कितने पैरेट्स बचे हैं उनके पास, 55. ओके नेक्स्ट सम्स 3. ही डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग होम्स फॉर 34 किटन्स. उन्होंने 34 किटन्स के लिए घर ढूंढा, ठीक है. नाउ ही इज लेफ्ट विथ 48 किटन्स. अब उनके पास कितनी किटन्स बची हैं, 48 बची हैं. हाउ मैनी किटन्स डिड ही हैव. क्या करेंगे अब उनके पास जो किटन बची हैं उसके पास कितने, पहले कितने थी, हम क्या करेंगे इसे प्लस करेंगे, यानी कि जो उनके पास 34 किटन्स थी पहले, क्या करना है हमें, इसे ऐड करना है सम्स को. हमें बताना है कि उनके पास कितनी किटन्स थी. उन्होंने 34 किटन्स के लिए तो होम ढूंढा है, 48 किटन्स अब उनके पास बची हैं, तो इसका मतलब है कि उनके पास टोटल पहले कितनी किटन्स थी. सो हमें क्या करना है, इसे प्लस करना होगा ये जानने के लिए कि पहले कितनी उनके पास किटन्स थी. 48 plus 34. ओके सो ऐड करेंगे हम इसे, 8 plus 4 12 12 ones, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे टेक अ 1 tens, यहाँ पर 1 tens इसे देंगे. अब 4 plus 3 7 और 1 8, आंसर इज 82, यानी कि उनके पास पहले 82 किटन्स थी. ओके उन्होंने 34 के लिए होम ढूंढा और अब उनके पास 48 बची हैं. नंबर 4 क्वेश्चन, देयर आर टोटल 70 टॉर्टोइज इन द स्टोर. यहाँ पर 70 टॉर्टोइज स्टोर में हैं. ही फाउंड होम फॉर 41 ऑफ देम.
वह 41 के लिए क्या कर रहे हैं, 41 के लिए घर ढूंढ रहे। हाउ मैनी टॉर्टोइज आर लेफ्ट विदाउट एनी होम, जो कितने ऐसे टॉर्टोइज हैं जिनको कि जिन बिना घर के हैं, यानी कि जिनको अभी तक कोई भी घर नहीं मिला, जो नहीं हुए, यानी कि 17 टोटल उनके पास क्या थे टॉर्टोइज से, उसमें से 41 को होम मिल चुका है। सो अब उनके पास जो बचे हैं वो कितने हैं, ये जानने के लिए हमें माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये वंस की प्लेस पे जीरो है ऊपर और नीचे वन है, सो जीरो माइनस वन नहीं हो सकता, हमें क्या करना है इसे बोरो देना है, जीरो को टेन से हम वंस को एक बोरो देंगे, ये हो गया टेन, टेन माइनस वन इक्वल टू नाइन, यहाँ हो गया आपका सिक्स, सिक्स माइनस फोर इक्वल टू टू, अब उनके पास 29 टॉर्टोइज बचे हैं स्टोर में। नंबर फाइव, देयर वर 62 फिशेज इन द स्टोर इन द मॉर्निंग, सुबह स्टोर में कितनी फिशेज थी, 62, ही काउंटेड इन द इवनिंग, वह शाम को काउंट करते हैं, ओनली 39 फिशेज वर लेफ्ट, अब कितनी बची है उनके पास शाम को, 39, हाउ मैनी वर सोल्ड आउट, उन्होंने कितनी फिश सोल्ड आउट की, क्या करेंगे इसे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 62 माइनस 39 कि हमें लेफ्ट फिशेज बतानी है, क्या यहाँ पर फिर से टेंस से वंस को बोरो देंगे, 2 माइनस 9 नहीं हो सकता इसलिए हम इसे बोरो दे रहे हैं, इसे बना रहे 12 माइनस 9 और यहाँ पर लीव जाएगा 5 टेंस, 12 माइनस 9 इक्वल टू 3, ओके 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, सो लेफ्ट जो फिशेस हैं वो हैं 23, आंसर इज 23। क्वेश्चन नंबर 6, ही हैड 29 रैबिट्स लेफ्ट इन द इवनिंग, 29 रैबिट्स शाम को बचे हैं उसके पास, ठीक है, किसके पास, मिस्टर विक्टर जिनका स्टोर है, ही कुड सेल ओनली 29 ड्यूरिंग द एंटायर डे, वह क्या करें पूरे दिन में केवल 29 ही बेच पाए हैं, हाउ मैनी रैबिट्स डिड ही हैव इन द मॉर्निंग, तो उनके पास मॉर्निंग में कितने रैबिट्स है। सो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा करने में, बट ये बहुत ईजी है, 29 रैबिट्स उनके पास शाम को बचे हैं और पूरे दिन उन्होंने सेल किए 29, यानी कि उनके पास क्या है जो 29 रैबिट्स से वही अभी भी हैं, क्या करेंगे माइनस करेंगे, इक्वल टू 29, ओके। सो स्टूडेंट्स पूरे दिन में उनके पास 29 ही बचे, क्योंकि कोई भी रैबिट सुबह से बिका ही नहीं था, ओके। सो इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आगे देखिए, वन सम्स मैंने नोटबुक में करवाया है, आज क्या है इसमें एक प्रॉब्लम सम्स करवाया मैंने, बुक से ही रिलेटेड है, 79-21 आज की डेट, क्लास वर्क चैप्टर 13 सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर्स, प्रॉब्लम सम्स, क्वेश्चन वन, राज हैड 91 पैरट्स इन हिज पैट शॉप, राज के पास एक पैट शॉप में कितने पैरट्स हैं, 91, ही सोल्ड 36 पैरट्स, वह बेच रहा है 91 में से 36 पैरट्स को, हाउ मैनी पैरट्स डज ही हैव नाउ, अब उसके पास कितने पैरट्स बचे, जब 91 थे और उसमें से 36 क्या हो गए, बिक गए, बेच दिए गए, सो यहाँ पर टेंस और वंस की प्लेस में हम डिजिट रखेंगे, 91 माइनस 36, सो 9 हमारा टेंस की प्लेस पे है और 3 टेंस की प्लेस पे, और वंस की प्लेस में डिजिट है 1 और 6, सो स्टूडेंट 1 माइनस 6 नहीं हो सकता, सो हम क्या करेंगे इसे यहाँ बोरो लेंगे, ओके यहाँ पर इससे 10 से बोरो लिया हमने, इसे बना लिया 11 वंस, ये है हमारा 11 वंस, और यहाँ हमारा लीव हो गया 1 टेंस, सो हो गया यहाँ पर 8 टेन, माइनस 11 माइनस 6 इक्वल टू 5, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, सो स्टूडेंट्स आंसर इज 55, लेफ्ट
पैरेट्स लेफ्ट 55. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट के साथ आंसर. राज हैड पैरेट्स इक्वल टू 91. राज के पास पैरेट थे 91. ही सोल्ड, वह बेच रहा है उसमें से 36. पैरेट्स लेफ्ट 55. आंसर इज 55. सो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. दिस इज योर क्लास.